आज हम बनाएंगे चार सब्जी की रेसिपी और देखो चारों सब्जियों की रेसिपी अपने आप में अलग है और चारों का स्वाद अलग होने की वजह से इसे आप एक साथ भी बना सकते हैं किसी थाल में रखने के लिए या फिर आप अलग अलग दिन भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ तो होंगी ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल और कुछ होंगी गाँव के तरीके से, जिसमें कि सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाली मुगली बैगन की रेसिपी, दूसरी पनीर की। नहीं दिख रही ना, लेकिन होगा पनीर, यकीन मानिएगा पनीर होगा, रेसिपी थोड़ी सी हटके होगी। उसी के साथ जब कोई सब्जी समझ में ना आए तो आप दाल बनाओ, लेकिन दाल भी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, दाल की सब्जी भी है। और जो घुइया यानी कि अरबी की सब्जी है, ये तो मेरे पापा बनाते थे, तो ये भी बहुत ज्यादा यूनिक रेसिपी है, बस गांव की स्टाइल में बनी है, लेकिन टेस्ट इस अरबी का भी बहुत अच्छा आएगा, आप एक बार ट्राई करना। चारों रेसिपी आप कहेंगे कि मजा आ गया खाने के बाद। और हाँ, आपका बहुत समय नहीं खाएंगे तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, जिससे कि आपके समय की बचत हो और कम समय में आप ज्यादा ज्यादा रेसिपियां सीख सकें। तो चलो सबसे पहले हम मुगलई बैगन की रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इमली लेनी है और इसमें डाल देना है गर्मा गर्म पानी। तो पानी डाल के इसको यहीं छोड़ देते हैं, तब तक ले लेते हैं बैगन और इसको हम काट लेते हैं। तो देखो आप कीड़ा वगैरह देख लो, इसीलिए मैं इस तरीके से काट रहा हूँ। अगर आप खाते हैं तो बना रहने दो, वरना आप देख के निकाल सकते हो। अब हमने सारे कीड़े देख लिए हैं, मतलब कि कीड़े नहीं है और एक आदमी थे तो मैंने हटा दिए। अब बैगन में मैंने एक एक चीरा लगा लिया है, तो फिर पैन में डाल देते हैं फाइन सोयाबीन ऑयल। अब इसमें डाल देंगे हम सारे बैगन और बस इनको अच्छी तरीके से लेंगे सेंक। तो बस उलट पलट करते हुए सेंक लो, टेस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए सेंका है और कोई वजह नहीं। अब बैगन अच्छी तरीके से सिक चुके हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। पैन में डाल देंगे 4 साबुत लाल मिर्च, 1 साबुत धनिया 2 चम्मच, इसी के साथ 1 चम्मच जीरा और डाल देंगे इसमें मूंगफली के दाने, थोड़े से ही डाल लें, इसी के साथ 2 चम्मच जितना गरीब रादा। अब इन सभी को थोड़ा सा भून लेंगे, लगभग मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको एक मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो देखो मसाला बनके हो गया है तैयार। तो अब फिर से लेंगे पैन और इसमें डाल देंगे तेल। अब इसमें डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च और डाल देंगे इसमें प्याज। तो देखो प्याज इस तरीके से काटना है बड़ा बड़ा, तो लगभग 2 मीडियम साइज के प्याज थे। अब इसमें डाल देंगे अदरक, तो लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा था और डाल देंगे इसमें लहसुन की कलियां 5-6। अब इनको थोड़ा सा भूनेंगे, लगभग मसाले भुन चुके हैं, तो इसे भी मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरीके से पीस लेंगे। मसाला हो गया है तैयार। तो अब बनाते हैं मुगलई बैगन की सब्जी। तो फिर से पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब डाल देंगे जो मैंने प्याज का मसाला पीसा था उसको और थोड़ा सा ऐसे हम भूनेंगे। अब डाल देंगे जो मैंने मसाला पीसा था उसको, देखो बहुत ज्यादा तो नहीं भूनना है क्योंकि पहले ही मैंने सारे मसाले भून लिए हैं, तो बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें हम पानी डाल देंगे और थोड़ा सा ऐसे हम पका लेंगे। और अब डालेंगे थोड़े से पिसे हुए मसाले, जिसमें कि डालेंगे हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, इसी के साथ नमक और डाल देंगे इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला। अब इन सभी को थोड़ा सा पानी की सहायता से भूनेंगे और इसीलिए मैंने पानी डाला था ताकि जो मसाले हैं वो फूल जाएं। अब लगभग मसाले भुन चुके हैं, तो सारे बैगन इसके ऊपर पटक देते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और लगभग इसे 6 से 7 मिनट ढक के पकाएंगे। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुका है, लो जी सब्जी तो बन चुकी है मुगली बैगन की, बस कमी रह गई थी जो मैंने इमली भींगने के लिए छोड़ दी थी उसके पानी की, तो वो भी छन्नी से छान के डाल देते हैं। बस इस तरीके से हमें डालना है, थोड़ा सा चम्मच से रगड़ देना है। लो जी मुगली बैगन की होगी सब्जी तैयार। तो क्या कभी आपने इस तरीके से मुगली बैगन की सब्जी बनाई हो? देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं बनाई हो तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये पहली रेसिपी है और टेस्ट में भी गजब की है। और ये देखो मुगलों की रेसिपी है, तो मुझे तो उम्मीद है कि इसे आप जरूर ट्राई करेंगे। तो देखो एक बार ट्राई करना, और ट्राई करना तो बताना कि रेसिपी कैसी बनी। तो इसी तरीके से आप ढेर सारी मुगली रेसिपियां बना सकते हैं, जो भी आपको बनानी हो। बाय द वे मुगली बैगन की रेसिपी तो बन चुकी है, अब बनाएंगे पनीर की कड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पनीर की कड़ी बनाएंगे। तो ये भी थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है, तो पूरी देख के जाना, बहुत मजा आएगा, और जो खाएगा ना वो कहेगा वाह कड़ी तो मैंने पहली बार ऐसी खाई है, मजेदार। तो चलो इसे भी बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जीरा लेंगे लगभग 1.5 चम्मच जितना, इसी के साथ डाल देंगे 1/2 चम्मच से कम काली मिर्च और डाल देंगे इसमें 1.5 चम्मच जितनी ही सौंफ और उसी क्वांटिटी में डाल देंगे 1 साबुत धनिया, इसी के साथ डाल देंगे 5-6 साबुत लाल मिर्च। अब इनको उठा के सीधा हम डाल देंगे पैन के अंदर और थोड़ा सा ऐसे हम रोस्ट कर लेंगे। लगभग मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको निकाल लेंगे एक बड़ी सी प्लेट में ठंडा होने के लिए, लेकिन उससे पहले डाल देंगे इसके अंदर हींग, थोड़ा सा हम मिलाएंगे। अब इसको उठाकर डायरेक्ट डाल देंगे हम मिक्सी के जार में। अब इसको हम पीस लेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा। मसाला पिसके रेडी है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अब लेंगे 250 ग्राम जितना पनीर और इसको भी इसमें अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, चौपकी हुई हरी धनिया, इसी के साथ चौपकी हुई हरी मिर्च, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसी के साथ जो अदरक है उसे भी कद्दूकस कर लेंगे और अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जब ये मिल जाएगा तो इसी तरीके से सारी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। अब लगभग मैंने सारी छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं, तो बस अब पकौड़ी की तैयारी करते हैं। तो लेंगे यहाँ पर बेसन, बेसन देखो अपने हिसाब से लो, बहरहाल मैंने यहाँ पर 2 कप जितना लिया है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो देखो घोल बन चुका है, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि पकौड़ी के लिए घोल बन चुका है? तो सबसे पहले पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेसन का घोल। देखो बेसन का घोल पानी के नीचे है, यानी कि अभी परफेक्ट नहीं बना। तो अब इसको हम फेंटेंगे इस तरीके से उंगलियां करते हुए, लगभग 2 मिनट में इसके अंदर हवा भर जाएगी और फिर ये हल्का हो जाएगा, पकौड़ियां एकदम से फूली फूली बनेंगी। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से लेंगे पानी और इसमें डाल देते हैं बेसन का घोल। देखो ऊपर रह गया, यानी कि पकौड़ियां परफेक्ट बनेगी। तो चलो हम पकौड़ियां बना लेते हैं। तो जो मैंने पनीर की गोलियां बनाई थी छोटी छोटी, उसको इसमें डाल देंगे और बस इस
तरीके से एक एक करके हम पकौड़ी सेंक लेंगे। तो देखो पकौड़ी पर बहुत अच्छी कोटिंग आएगी अगर आपने अच्छी तरीके से बेसन फेंटा है, अगर नहीं फेंटा है तो फिर बनाने में दिक्कत होगी और जो अंदर का पनीर है ना वो बाहर निकल आएगा। अब लगभग सारी पकौड़ियाँ हम इसी तरीके से सेंक लेंगे, पकौड़ियाँ सिक चुकी हैं तो इन्हें निकाल लेंगे और जो बची हुई पकौड़ियाँ हैं उन्हें भी सेंक लेंगे। बस इसी तरीके से सेंकनी है। अब पकौड़ियाँ सिक के रेडी हैं तो बना लेते हैं कढ़ी। अच्छा हम कढ़ी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बेसन ज़्यादा ले रहे हैं, तो लगभग ये 200 ग्राम जितना बेसन होगा। अब इसमें डाल देंगे 2 लीटर जितना छाछ, लेकिन अभी डालेंगे थोड़ा क्योंकि इसकी हमें गुठलियाँ खत्म करनी है, तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मिलाते जाएंगे। अब लगभग बेसन मिल चुका है अच्छी तरीके से, मतलब कि गुठलियाँ खत्म हो चुकी हैं, तो सारा सारा छाछ इसके अंदर पलट लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब इसकी बनाएंगे हम कढ़ी, तो एक लगन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, इसी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च। अब इन सभी को थोड़ा सा भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी राई, इसी के साथ डाल देंगे करी पत्ता, थोड़ा सा जीरा और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग। थोड़ा सा इसे हम चलाएंगे। अब डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाकर रखो। फिर से इसे हम चलाएंगे और अब डाल देंगे 2 कप जितना पानी, थोड़ा सा चलाएंगे और अब डाल देंगे जो मैंने बेसन का घोल तैयार किया था उसको। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बेसन का घोल है जैसे उसे आप डालें गैस की फ्लेम को हाई रखें और लगातार चलाते रहें, वरना जो छाछ है ना वो फट जाएगा यानी कि दाना छोड़ देगा। तो ध्यान रखना है लगातार इसे चलाते हुए बनाना है, मतलब कि रोकना नहीं है जब तक कि इसके अंदर उबाल ना आ जाए। और इसमें नमक भी बाद में डालेंगे। बाय द वे इसमें हम पानी डाल देते हैं लगभग 1.5 लीटर जितना। और अब देखो इसके अंदर उबाल आ चुका है तो डाल देते हैं नमक। तो नमक भी हमें बाद में डालना है, पहले डालेंगे तब भी जो छाछ है ना वो फट सकता है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अभी मुझे लगता है थोड़ी सी स्पाइसी और करनी बाकी रह गई है, तो डाल देंगे हरी मिर्च, लेकिन चीरा लगाते हुए, तो कम से कम 7-8 हरी मिर्च होंगी। अब इसको हम पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट और कड़ी बनके हो जाएगी तैयार। लगभग 20 मिनट हो चुका है और देखो कड़ी जो चमचे पर है ना वो चिपक रही है, समझो परफेक्ट कड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर डाल देंगे हम पकौड़ी और अब इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पकाना है, कड़ी क्वांटिटी है ज़्यादा और कड़ी ठंडी नहीं होगी, तो धीरे धीरे पकौड़ी कड़ी को एब्जॉर्ब कर ही लेगी, तो 1-2 मिनट बहुत है पकाना। लो जी कड़ी तो हो गई है बनके तैयार और मुझे लगता है कि आप सबको पसंद भी आई होगी ये वाली कड़ी और थोड़ी सी यूनिक भी होगी। अच्छा जिनको लगता है कि ये वाली कड़ी अभी तक नहीं बनाई है और एक बार ट्राई करना है तो देखो वो हमें कमेंट करके बताएं, और जिन्हें ये वाली कड़ी की रेसिपी नहीं बनानी है तो वो बची हुई 2 रेसिपियाँ देख कर जाएं, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई उनके मतलब की जरूर होगी। तो चलो कड़ी को हम एक साइड रख देते हैं और अब बनाते हैं यहाँ पर दाल की रेसिपी। तो देखो दाल की रेसिपी आपको लगी रही होगी बहुत परफेक्ट है, हाँ ये वाली दाल की ही है, क्योंकि सब्जियाँ खा खा के हम बोर हो जाते हैं और कभी कभी समझ में भी नहीं आता क्या बनाएं, तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। चलो तो फिर इस दाल की रेसिपी को भी बनाते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 150 ग्राम जितनी रात भर फूली हुई दाल ली है। अब इस दाल का हम सारा सारा पानी निकाल देंगे और इसको मिक्सी के जार में डालकर पीसना, इसे हमें बिल्कुल बारीक है। लो जी दाल तो पीस के रेडी है, इस तरीके से पीसनी है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हम हींग, इसी के साथ थोड़ा सा नमक और इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और एक अच्छी तरीके से उबाल आ जाने देंगे। पैन में उबाल आ चुका है तो इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके की चलनी और इस पर लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, तो आप तेल घी कुछ भी लगाएं। अब इसके ऊपर हम दाल पीसी हुई रख देंगे, तो इस तरीके से रखनी है, मतलब कि पकौड़ी के साइज की बनानी है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके सारी सारी दाल इसके ऊपर रख देंगे और फिर से इसे ढक देंगे, लगभग इसकी बफोरी बनके तैयार हो जाएंगी। तो लगभग 10 मिनट इसे हम ढकेंगे, लगभग 10 मिनट हो चुका है और दाल की बफोरी बनके हो गई है तैयार, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। सावधानी से निकाल लीजिएगा, वैसे भी नहीं चिपकेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, तेल लगभग अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे दाल की बफोरी और इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे फ्राई। यहाँ पर ध्यान रखना है दाल की बफोरी को अच्छी तरीके से फ्राई करना है, बिल्कुल लाल लाल जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब दाल की बफोरी फ्राई हो चुकी है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा तेल बढ़ा लेंगे। अब तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देंगे थोड़े से साबुत मसाले, जिसमें कि मैंने जावित्री ली है, लौंग ली है, काली मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची ली है, तो देखो क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, ध्यान रखना है। इसी के साथ डाल देंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे और अब डाल देंगे इसमें हम बिल्कुल बारीक पिसा हुआ प्याज, तो लगभग 2 मीडियम साइज के प्याज थे जिसको मैंने पीस लिया था। अब इनको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, तो जब तक प्याज भून रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी में डाल देंगे धनिया पाउडर, गर्म मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ नमक, तो हर चीज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और डाल देंगे इसमें हम किचन किंग मसाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो सब्जी में मजा ही नहीं आएगा, तो जरूर डालना है, याद रखना है। इसी के साथ थोड़ा सा डाल देंगे इसमें मीट मसाला, देखो है तो डालें वरना आप अवॉइड कर सकते हैं। और मीट मसाले में देखो मीट नहीं होता है, बस मसाले बनाने का प्रोसेस अलग होता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सेमी थिक घोल तैयार कर लेंगे, तो इस तरीके से बनाना है। लगभग मसाले का घोल बन चुका है और प्याज भी अच्छी तरीके से भुन चुका है, तो जो मैंने मसाला बनाया है उसे भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई, लेकिन भुनाई करने से पहले थोड़ा सा डालेंगे पानी, क्योंकि इसे हमें अच्छी तरीके से पकाना है, ध्यान रखना है। अब लगभग मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, थोड़ी देर और पकाएंगे। और अब डाल देंगे इसमें हम दाल की बफोरी, थोड़ा सा इसे हम चलाएंगे और अब डाल देंगे इसके अंदर हम पानी। तो देखो जैसी भी आपको ग्रेवी चाहिए, गाढ़ी चाहिए तो थोड़ा सा पानी कम रखो, पतली चाहिए तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दो।
तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसी चाहे वैसी आप ग्रेवी बना लो। बाय द वे अब इसे हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट। लो जी सब्जी तो बन के हो गई है तैयार। तो क्या कभी आपने दाल की इस तरीके की सब्जी बनाई है? देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, और नहीं बनाई हो तो ट्राई करना, क्योंकि आखिरी रेसिपी है मेरे पापा वाली गाँव की, एकदम से अरबी, बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी, तो देख के जाना। क्योंकि अब तो पापा नहीं है तो उनकी ये रेसिपी ही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये वाली जो रेसिपी है ना पापा वाली, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी होगी, लेकिन टेस्ट कहाँ से आता है पता ही नहीं चलता है। बाय द वे रेसिपी देख के जाना, क्योंकि पापा की है तो देख ही लेना एक बार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अरवी ली है लगभग 250 ग्राम जितनी। अब इसको हम छील लेंगे अच्छी तरीके से और इस तरीके से काट लेंगे छोटा छोटा। तो बिल्कुल इसी तरीके से काटना है, और उसके पीछे रीजन है कि अगर अरवी गलती नहीं है यानी कि पकती नहीं है तो ये आसानी से पक जाएगी, तो ये एक प्रो टिप है याद रखना। अब लेंगे यहाँ पर हम प्याज और इसको काट लेंगे इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा। तो इसी तरीके से आपको काटना है। प्याज कट चुका है तो अब यहाँ पर ना तो हरी मिर्च लेनी है, ना तो टमाटर लेना है, और ना ही लेनी है यहाँ पर धनिया, क्योंकि इसे हम सिंपल बनाएंगे। और तो यहाँ पर लेंगे हम सिर्फ लहसुन, तो लहसुन हम उठा लेंगे और इसको भी डाल देंगे बिल्कुल छोटा छोटा काट के। तो इसी तरीके से काट के डाल देना है। अब लगभग लहसुन भी काट लिया है तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ, और इस पर एक टूटा टाटा बर्तन रख लेते हैं। तो देखो मेरे पापा तो इसी में बनाते थे, टेस्ट गजब का आता था। अब इसमें डाल देंगे परसों का रखा हुआ सरसों का तेल, तो देखो वही तेल आपको लेना है। वैसे आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है। बाय द वे इसको एकदम से फर्राटेदार धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। अब तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देंगे मेथी दाना बिल्कुल थोड़ा सा, वरना ये बहुत ज्यादा कड़वी हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे कि पापा की सब्जी अच्छी नहीं बनी। तो ध्यान रखो छोटी छोटी बातें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें एक चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा, और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग, और अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं डाली हैं, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनती है, और अगर आप बहुत सारी चीजें डाल देंगे तो अरबी का अपना स्वाद खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो पापा अरबी बनाते थे ना उसका स्वाद एकदम से खिल के आता था, और लगता भी था कि ये ना तो गरिष्ठ है और ना ही मतलब कि किसी और का इसमें स्वाद आ रहा है, बिल्कुल प्योर परफेक्ट अरबी बनती है। और देखो पतली पानीदार अरबी की बात ही अलग है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करना मेरे कहने से ये वाली रेसिपी। बस गर्मा गर्म सर्व करना, और गर्मा गर्म जो रोटी है ना उसमें घी लगा कर देना, और फिर घर वालों से पूछना कि अरबी की सब्जी कैसी बनी, वो तारीफ करेंगे मुंह पर ही। वही दबे प्याज हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, तो अब डाल देते हैं इसके अंदर अरबी और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो लगभग 3-4 मिनट लगेगा भूनने में, तभी स्वाद आएगा। और अब डाल देंगे इसमें हम मसाले, जिसमें कि डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और डाल देंगे नमक। अब इन सभी को थोड़ा सा भूनेंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं भूनना है लेकिन थोड़ा सा तो हम भूनेंगे ही। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम पानी। तो देखो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखो, लेकिन पानी थोड़ा सा बढ़ाकर रखो, तभी ये वाली जो रेसिपी है ना टेस्टी बनती है। तो इसी तरीके से मेरे पापा बनाते थे। आजकल तो ऐसी अरबी शायद ही कोई घर पे बनाता होगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करना और जरूर बताना कि रेसिपी कैसी बनी। खैर अरबी अच्छी तरीके से पक चुकी है, मतलब कि अरबी की सब्जी बनके हो गई है रेडी। तो अब आप बताओ कि आपको इन चारों रेसिपियों में सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी। देखो जोन सी भी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप उसे हमें कमेंट करके जरूर बताना, और जब भी आप बना रहे हो तो अपना हमें फीडबैक देके जाना कि रेसिपियां कैसी बनी जो भी आपने बनाई हो।